खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां जिले के मोहना में संचालित शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय एक चपरासी के हवाले चल रहा है। जी हां, जिस औषधालय से लगभग 20,000 की आबादी लगती है, ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि गांव में सबसे पुराना हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में करीब 20,000 जनता आती है। इस हॉस्पिटल में करीब 5 महीने से कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं है। हॉस्पिटल एक चपरासी के हवाले संचालित हो रहा है। गांव में आए दिन ग्रामीण बीमार होते हैं। बीमार लोग जब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका इलाज एक हॉस्पिटल का चपरासी करता है, जिससे मरीज की बीमारी में आराम तो नहीं होता बल्कि बीमारी और बढ़ जाती है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वही बताया जाता है कि 5 महीने पहले एक महिला चिकित्सक इस औषधालय में पदस्थ थी, जिनको ग्वालियर कलेक्टर द्वारा गाँव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अटैच कर दिया गया था। जब से इस औषधालय में कोई भी डॉक्टर नहीं आया है। कई बार ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर व जिला चिकित्सक अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, जिसके बावजूद भी आज तक इस औषधालय में कोई डॉक्टर पदस्थ नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। इस हॉस्पिटल में कब से डॉक्टर नहीं है? करीब 2-3 महीने हो गए। तीन महीने तो है ही नहीं। तो आप यहाँ कहीं किसी को दिखाने आए थे? मैं अपनी मिसेज को दिखाने आया था। अच्छा, मिसेज को एक बार वहाँ जहाँ डॉक्टर मिले, मेरे को दवा भी दी, फिर दोबारा मैं आया तो इन्हें जब बताया कि डॉक्टर साहब वहाँ जहाँ है नहीं है, वहाँ बैठते हैं। वहाँ तो आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को हॉस्पिटल के सूचित किया? मैंने वरिष्ठ अधिकारी को वहाँ जाके ना सूचना की, तो उन्होंने बोले वो तो कलेक्टर साहब का आदेश है, तो आप तो भाई कलेक्टर साहब से मिल भी जाकर से बात करिए। अच्छा, आपकी मिसेज को क्या बीमारी थी? मेरी मिसेज को पैरों में सूजन थी, पेट में भी सूजन थी। इस हॉस्पिटल से कितनी आबादी लगभग आती होगी? जो जो हॉस्पिटल से आबादी तो जहाँ काफी है, 20,000 की आबादी है यहाँ पर, जो बीच गांव है तो इससे काफी मरीज आते हैं यहाँ से। करीब डेली 150 मरीज तो डेली आते ही हैं कम से कम। तब डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज आएंगे कहाँ से जहाँ? इसमें जो डॉक्टर है, इसका डॉक्टर कहीं अटैच कर दिया गया है? हाँ, डॉक्टर वो स्वास्थ्य विभाग में अटैच कर दिया है। अच्छा, चलिए। ग्रामीणों ने इंडिया एक्सप्रेस के संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि गांव में जब किसी ग्रामीण की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, किसी महिला की डिलीवरी होनी होती है, तो उसे जिला चिकित्सालय ग्वालियर ले जाना पड़ता है, जो कि गांव से कुल 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कई बार तो गाँव से ग्वालियर तक ले जाने में कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और गाँव में बिना डिग्री के संचालित झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक खोले बैठे हुए हैं, जो कि मनमाने की फीस वसूल रहे हैं।